नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 45 इयर्स ओल्ड महिला और ये जानना चाहती हैं कि इनके परिवार में जैसे पति से झगड़ा रहता है, साथ में इनका जो सहेलियां हैं उनसे भी थोड़ी सी रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती, दोस्ती नहीं टिक पाती, और आगे जीवन कैसा रहेगा, ओल्ड एज कैसी रहेगी, बच्चों से कैसा संबंध रहेंगे, इस तरह के इनके कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, अगर इंसान की मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हो, देखिए इधर से शुरू हो, तो इंसान का स्वभाव थोड़ा अलग होता है, उसकी विचारधारा अलग होती है, सोचने समझने की शक्तियाँ अलग होती हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि जब उसकी सोच आइडियाज़ अलग होते हैं तो वो विचार अपने परिवार से मेल नहीं खाते। और ऐसे लोग देखिए हार्ट लाइन अच्छी है, यानी कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं, प्यार करते हैं सबको, बड़ा विनम्र स्वभाव होना, लोगों से अच्छे से बात करना, इस तरह के गुण देखे जाते हैं। उसके बावजूद भी इंसान को एक तरह से अपने दोषारोपण ही मिलता है, एक तरह से लोग उन पर यही कहते हैं कि नहीं तुम गलत हो। अब देखिए, जब मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हो रही हो, हल्की सी शुरू हो रही हो, तो इंडिपेंडेंट विचार होते हैं, कुछ अलग करने के विचार, कुछ अलग तरीके की सोच होना, जो इसलिए समाज में मेल नहीं खाती। अब हाथ में देखें, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे राहु रेखाओं का कट्स भी है, तो इंसान परेशान भी रहता है। कई बार होता है कि इंसान अपनी परेशानियों में घिरा होता है, मुंह से कुछ निकल गया, दूसरों ने कुछ और समझ लिया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ऐसे लोगों के साथ आती है। हाथ में या जीवन रेखा पर यह आना, ये परेशानी का कारक है कि परेशानियाँ देखी होंगी उन्होंने जीवन में काफ़ी। अब अगर हम देखें कि समाज में ये देखें, एक बुद्ध पर्वत पर तिल आना एक ये भी कारण होता है। जब बुद्ध पर्वत पर इस जगह तिल होता है तो इंसान के कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसे लोग बहुत विनम्र स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि कहना कुछ चाहते हैं, दूसरा समझता कुछ और है, मुंह से निकलता कुछ और है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और ऐसे जब तिल होता है तो कई बार ये आर्थिक नुकसान भी कराता है। दोनों बातों में से कोई एक बात हो सकती है कि या तो कम्युनिकेशन का नुकसान कराना, यानी कि आपस में लोगों से तालमेल बैठने का प्रॉब्लम आना, और या फिर कोई आर्थिक नुकसान कराना कि आपने कोई बिजनेस करा उसमें आपको लॉस हुआ, इस तरह की चीज़ें होना। क्योंकि बुध जो पर्वत होता है ये कम्युनिकेशन का होता है, बिजनेस का होता है, और आप एक तरह से फाइनेंस कह सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी, इस तरह का पर्वत माना जाता है। तो यहाँ पर ये या तो बिजनेस का नुकसान या फिर बोलचाल की वजह से नुकसान होना। अब खैर, यहाँ पर देखते हैं कि जैसे इन्होंने पूछा ओल्ड एज कैसी रहेगी, यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार से चली, यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि 50 वर्ष के आसपास कोई धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं हाथ में। और यहाँ पर भी रेखाओं का, छोटी छोटी रेखाओं का निकल के सीधा इस तरह से आना, यानी कि बहुत अच्छा धन लाभ के कंटिन्यूस इनकम का योग हाथ में दिखाई दे रहा है, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं रहेगी, इनको आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी ओल्ड एज में। और हाथ में देखें तो बच्चों की बात करें तो कोई ऐसी मेंटल परेशानी नहीं है। देखिए, जब बच्चों की तरफ से इंसान खुश रहेगा या नहीं रहेगा, इसको देखने का एक ही तरीका होता है कि अगर आप मस्तिष्क रेखा अगर आपकी चल रही है, साफ स्वच्छ चली आ रही है, कहीं से भी शुरू हो, लेकिन अगर ये सही चली आ रही है, तो इंसान जैसे कि एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए परेशान रहती है, माँ को लगता ही है कि उसके बच्चे हमेशा उसके लिए बच्चे ही रहते, चाहे उसका बेटा 40 साल का ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए वो हमेशा 4 साल का ही रहता है। तो अगर ये रेखा बिना किसी डिस्टर्बेंस के सीधी साफ स्वच्छ चली आ रही है, देखिए, तो समझिए कि आपके परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। ओल्ड एज में जैसे जैसे एज ग्रो करेगी, जैसे जैसे आप बड़ी उम्र की तरफ पहुंचेंगे, तो वैसे वैसे तो आपके जीवन में सब शांतिपूर्वक बना रहेगा। और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती कि उसके बच्चे सुखी रहें, जहाँ भी रहें सही सलामत रहें। तो इससे ये पता चलता है कि, और जैसे अगर हम आर्थिक की बात करें, जैसे हम रुपए पैसे की बात करें, आपके पास रुपए पैसा अच्छा है, लाइफ आप लग्जरियस जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा नॉर्मल चल रहा है, तो इसका मतलब आपके बच्चे भी खुश चल रहे हैं। क्योंकि आप खुद तभी खुश रह सकते हैं जब आपके बच्चे खुश हैं, आपको उनसे ही, उनको देख के जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ को पाकर या मिलकर नहीं मिलती। तो भारतीय संस्कृति का एक ये आप कह सकते हैं कि एक स्वभाव है भारतीयों का, और इंडिया में यही कल्चर है कि अगर एक माता पिता के लिए उनके बच्चे सुखी हैं तो वो खुद भी अपने आप को सर्व सुखी महसूस करते हैं।
तो अब हाथ में चलते हैं और चीज़ों की तरफ। हाथ इनका जो है पाम देखा जाए रेक्टेंगुलर पाम है और अच्छा बढ़िया पाम है। रेक्टेंगुलर पाम देखिए काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने में मजबूर करता है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स कराना, मेंटल वर्क कराना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाथ में देखा जाए तो यहाँ पर मंगल पर्वत अच्छा है इनका, बुध पर्वत भी अच्छा है और सूर्य पर्वत का अच्छा होना, गुरु पर्वत का अच्छा होना, इस तरह से ये माउंट्स बहुत बढ़िया हाथ में है। शुक्र का घेराव भी बढ़िया है, तो इस तरह से इनके हाथ में देखें तो माउंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जीवन में अच्छा फल देते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो इनके मनी ट्रायंगल को, एम के चिन्ह को, तो एम का चिन्ह बड़ा क्लियर बन रहा है, बड़ा अच्छा क्लियर एम का चिन्ह बनना है। देखिए एम का चिन्ह हमेशा हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा से बनता है, चार मुख्य रेखाओं से बनता है एम का चिन्ह। तो अच्छा खासा एम का चिन्ह है, रुपए पैसे की कोई आगे दिक्कत नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छा खासा कहना चाहिए कि सब बढ़िया, रुपए पैसे के मामले में सब अच्छा बना रहेगा। और अब यहाँ पर देखें तो हाथ में ट्रायंगल की बात करें तो ये छोटा सा एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो सेविंग्स भी बनी रहेंगी। यहाँ पर एक देखिए ग्रेटर ट्रायंगल इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ट्रायंगल का थोड़ा सा यहाँ से खुला होना, इस तरीके से देखिए यहाँ से थोड़ा खुला होना, ये देखिए यहाँ से खुला हुआ होना, थोड़ा सा यहाँ से खुला हुआ होना, तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि खर्चों के बारे में, कि खर्चे हाथ में लगे रहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी उंगलियाँ आपस में मिल नहीं रही हैं, ये झरों के देखिए पीछे का दिखाई देना, यानी झरों के बने रहना हाथ में, तो ये इंडिकेट करता है कि खर्चे बने रहना, खर्च करने के शौकीन होते हैं ऐसे कई बार लोग, कोई भी अच्छी चीज़ देखी उनको लगता है कि नहीं हमें ले लेनी चाहिए, तो ये इंसानी स्वभाव है, ये ऐसा स्वभाव देखा जाता है। अब हाथ में यहाँ पर देखिए अगर हम जीवन के ग्राफ को लेके चले, और एक चीज और जब देखिए अच्छा खासा ये ऐसे ट्रायंगल भी बनता है तो इंसान की पोजीशन भी अच्छी खासी होती है जीवन में, आगे चाहे जीवन में कितना स्ट्रगल कर ले, लेकिन ये ट्रायंगल जब यहाँ से इस तरह का घेराव लेता है, जो इस तरह का घेरा लेता है, तो इंसान काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रहता है, चाहे पति के सहारे रहे, चाहे खुद अपना अर्जित करे, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड बना लेता है इंसान। अब हाथ में देखें जीवन का ग्राफ यहाँ से चला, इस तरह से चलता रहेगा, यानी कि आगे ओल्ड एज में कोई दिक्कत नहीं है। जनरली रेखाएँ ऐसे जाके गिर जाती हैं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, सीधा चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं दिखाई देती। अब हाथ में यहाँ पर देखें उंगलियों की ओर, उंगलियों में ये गुरु की फिंगर सीधी लंबी है, और जब ऐसी लंबी होती है इंसान कर्म में बहुत विश्वास रखता है, काफ़ी एक कर्मठ इंसान होता है, खाली नहीं बैठते ऐसे लोग, खुद भी काम में लगे रहते हैं और दूसरों को भी लगाए रखते हैं, और कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं कि कर्म करने बगैर कुछ नहीं होता, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की सोच होती है। अब देखिए हाथ में एक जैसे कि इंडिकेशन हम ये भी देखेंगे, कि फिंगर इनकी अच्छी लंबी है, मिडिल फिंगर, और इधर की ओर झुकी हुई है, तो ऐसे में कई बार अकस्मात धन लाभ के योग भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जब गैप हो, ऐसा गैप बन जाए, तो ऐसे में इंसान देखिए जैसे इन्होंने बताया कि लोगों से मान सम्मान नहीं मिलता, लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो बेकार ही बोलते रहते हैं, अपमान मिलना, एक तरह से जो सम्मान इंसान चाहता है वो जीवन में उसको नहीं हासिल होता। और यहाँ पर देखें दोनों फिंगर को अगर मिलाएं तो ये देखिए सूर्य की फिंगर अच्छी खासी लंबी है, तो ऐसे में हिम्मती भी होते हैं और एक तरह से थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी देखा जाता है, जो मन में एक बार ठान लेते हैं उसको करके ही मानते हैं ऐसे लोग। और हाथ में देखें तो ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेज तक नहीं आ रही है, और तो कई बार होता है किसी के बहकावे में आके ऐसे लोग कई बार अपना डिसीजन भी चेंज कर लेते हैं, या कई बार इंसान को लगता है कि आज उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, बाद में पछताएंगे कि काश मैंने 2 साल पहले ये क्यों नहीं सोचा था मैंने, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कई बार आती हैं। अब दूसरी पिक्चर लेंगे, यहाँ पर
देखिए गुरु के पर्वत पर इस टाइप से टेंटेड आर्च दिखाई देता है। जब भी टेंटेड आर्च हाथ में होता है तो इंसान अपने जीवन में ये समझिए कि बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, पर परंतु कई बार ऐसी जिम्मेदारियों की वजह से, कई बार अपनी इच्छा मारने की वजह से पहुंच नहीं पाता। इच्छाओं को हम एक तरह से अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है इंसान को। अब देखिए यहाँ पर हाथ में उल्लन लूप दिखाई देता है हमें। ये ऐसा जब लूप हाथ में पाया जाता है तो इंसान जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उसको बड़े हिम्मत साहस के साथ समझदारी के साथ उन कठिनाइयों का सामना करता है। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य की फिंगर पर यहाँ पर भी हमें उल्लन लूप दिखता है। कई बार ऐसे लोग दूसरों के लिए कितना ही कर लें मान सम्मान में दिक्कत आती है, मान सम्मान में कमी होती है, लोग फिर भी पीठ पीछे बुराई जरूर देते हैं। यह होता है कि कई बार आपने चाय बनाई, दूसरे कोई आया घर में, उसने फट से ट्रे उठा के चला गया और ट्रे उठा के मेहमानों के आगे रख दी और नाम हो गया उसका कि उसने सारा चाय बनाई, सारा खाना बनाया, इस तरह का नाम हो गया, और जबकि काम आपने किया होता है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस कहिए उनके साथ ऐसे होता है तो कि काम सारा आपने करा लेकिन क्रेडिट दूसरा ले जाए, खाना सारा आपने बनाया परंतु दूसरे के परोसने के कारण दूसरे ने अपनी होशियारी से सारा जो तारीफ है वो खुद बटोर ली। अब हाथ में यहाँ पर देखिए बुद्ध पर्वत पर भी, बुद्ध की उंगली पर भी ये इस तरह का लूप दिखता है। देखिए जब भी इस तरह से लूप है और साथ में तिल है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस करवा देना या जैसे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होना कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे, समझाना कुछ और चाह रहे थे, दूसरे ने समझ कुछ और लिया और लड़ाई हो गई या एक डिस्कशन हॉट हो जाता है कई बार, इस तरह की चीज़ें ये चीज़ एक तरह से कहना चाहिए कि क्लैरिफाई कर रही है। अब दूसरी पिक्चर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये अंगूठा जो है ये इस प्रकार का ये लूप दिखाता है, इस प्रकार से लूप ये बन रहा है। तो ऐसे में इंसान के एक तरह से कहना चाहिए इमोशनल बहुत होते हैं ये वाले लोग। देखिए थोड़ा सा ये चक्र नहीं है, ये इस तरह से ये दो इस तरह से जा रही हैं और ये दो इस तरह से जा रही हैं। तो ऐसे में इंसान इमोशनली आके काफ़ी डिसीजंस ले लेता है और लोग इसको उनको कई बार होता है कदम कदम पे गलत समझ लेना, लोग उनको कई बार होता है कि उस अच्छा काम करने के बावजूद भी तारीफ न मिलना, इस तरह की चीज़ें हाथ में होने लगती हैं। परंतु फिर भी ऐसे लोग अपना कर्म करना नहीं छोड़ते और कहीं ना कहीं जीवन में कहना चाहिए कि कुछ सालों बाद लोग इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये जो कहती हैं सही कहती हैं या जो इन्होंने राय दी वो अच्छी थी, इस तरह की बातें बाद में भले ही लेकिन देर से ही आए लेकिन लोगों की समझ में आती है। और ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोमल दिल के होते हैं और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा लोगों से प्यार से बात करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, ज़रा किसी की बात सुन लेंगे फौरन मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं ये लोग। चलिए अब दूसरी पिक्चर लेते हैं। अब हाथ में देखिए गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत इनका अच्छा है, गुरु पर्वत पर एक क्रॉस का चिन्ह भी है तो पारिवारिक सपोर्ट मिलती है ऐसे में। भले ही देखिए एक तरह से चाहे पिता के घर में हो तो वहाँ सपोर्ट मिलना, पति के घर में है तो पति का सपोर्ट मिलना, बच्चों का सपोर्ट मिलना जीवन में, तो पारिवारिक सुख भी दिखाता है। भले ही देखिए लड़ाई झगड़ा हो पति पत्नी में लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें बनी रहती हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने बताया पर्वत दबा हुआ है लेकिन यहाँ पर भाग्य रेखा छोटी छोटी सी निकल रही है, तो ये इनको जीवन में एक तरह से आर्थिक लाभ करवाती रहेंगी। खास तौर से 55 वर्ष के बाद तो काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ हाथ में दिखाई देता है। यहाँ पर एक छोटा सा मछली का चिन्ह भी है, देखिए ये देखिए छोटा सा है, हल्का सा है, मछली का चिन्ह है जो इनको ओल्ड एज लग्जरियस बना के रखेगा। अब हाथ में देखिए यहाँ पर सूर्य रेखा, इस तरह से सूर्य रेखा है, तो जैसे कि हमने बताया चाहे भले ही बाद में मान सम्मान मिले, देरी से मिले लेकिन मान सम्मान जरूर मिलता है ऐसे लोगों को। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर का भी चिन्ह है, तो ऐसे ऐसे में इंसान अपनी कम्युनिटी में, अपने आस पड़ोस में भी मान सम्मान पाता है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक रेखा का आके इस तरह से सूर्य रेखा में जुड़ना, तो ये इस चीज़ को और बलशाली बना रहा है। और एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर दो फील्ड की एजुकेशन दिखाई देती है, चाहे इन्हें जीवन में इन्होंने चाहे छोटे छोटे कोर्सेज करके इन्होंने आगे बढ़ाई हो पढ़ाई अपनी, चाहे इन्होंने जीवन में एक तरह से कहना चाहिए
कि जहाँ जो नॉलेज मिल रही है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स करें, कहीं कोर्स ज्वाइन करेंगे, डिप्लोमा डिग्री हासिल करेंगे तभी आप पढ़े लिखे कहलाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से भी आप कदम कदम पर कुछ भी सीखना, या जैसे होता है कई बार लेडीज़ का शौक़ कुकरी का शौक़ है, तो कुकरी के तरह तरह से वीडियोज़ देख के अपने आप को और अपडेट कर लेना, नॉलेज बढ़ाना, या आर्टिकल्स रीड करके, या किसी भी तरह से बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, तो ऐसे अलग अलग फील्ड की नॉलेज ऐसे लोग बढ़ा लेते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ने का भी बहुत शौक़ होता है, ऐसे लोगों को ज्ञान बटोरने का शौक़ होता है कि जब जो ज्ञान जहाँ मिल रहा है बटोर लो, बस पकड़ लो उस ज्ञान को। तो इस तरह से इनकी नेचर पाई जाती है। कई बार ऐसे लोगों को बुक रीडिंग का बहुत शौक़ होता है और उनको आदत होती है हर महीने एक बुक लो और उसको पूरा ढंग से पढ़ डालो, इस तरह के शौक़ भी देखे जाते हैं ऐसे लोगों में। यहाँ पर देखिए, इस तरह से रेखा जब निकलती है तो इनहेरिटेंस का योग बनता है, यानी कि पुश्तैनी जमीन जायदाद का योग भी बनता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये रेखाओं का आना, यानी कि हमदर्दी भरा व्यवहार होना, अच्छा बोलचाल जैसे कि हमने बताया, और लोगों को अच्छी सलाह देना। अब देखिए, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर रेखा एकदम सीधी होनी चाहिए, या तो इधर की ओर सीधी निकले और बिना किसी ब्रेक के निकले। तो यहाँ पर ऐसे बिना ब्रेक के रेखा नहीं दिखती है, देखिए हल्की है रेखा, बहुत हल्की। देखिए, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। आप शौकिया कोई किसी को सलाह दे सकते हैं, आपके सलाह देने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इतनी हल्की जब रेखा हो तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। हमारी ये सलाह है, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब होता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा। अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा पैसा लगाने को चाहिए, पैसा लगाने के बाद आपको रिटर्न भी आना चाहिए। लेकिन जब इतनी हल्की रेखा हो तो रिटर्न नहीं आती पैसे की, इंसान का पैसा लॉस में जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में सिर्फ कुछ आइडियाज़ पे या किसी की बातों में आके बिजनेस नहीं करना चाहिए। आजकल ये सब बहुत चल रहा है कि घर बैठे पैसे कमाओ, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट लोग देते हैं, लेकिन ये ज़रा भी रिटर्न की का इंडिकेशन नहीं दे रहा। ये देखिए, इस तरह से जो रिटर्न आनी चाहिए, अगर रेखा आपके हाथ में बिल्कुल तेज है तभी रिटर्न अच्छी आएगी, तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। कि हाँ, साल भर बाद या 3-4 महीने बाद आपको क्या पैसे निकल कर आ रहे हैं वो तभी दिखाता है। अब हाथ में आते हैं मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत अच्छा खासा है, काफ़ी हिम्मती और साहसी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी खासी होती है ऐसे में, और अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा देखा जा सकता है, अंदर से भी काफ़ी बोल्ड होना। अब हाथ में यहाँ पर एक रेखा इस तरह से निकल रही है, अभी मस्तिष्क रेखा का पार्ट है या मंगल रेखा के है, ये मंगल से रेखा निकल रही है, ये चीज़ पिक्चर में क्लियर नहीं हुई है। अगर ये मस्तिष्क रेखा का पार्ट है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये मंगल रेखा का पार्ट है तो कोर्ट कचहरी के मामले में इंसान फंसता है और परेशान रहता है। अब अगर ये सिर्फ मस्तिष्क रेखा का पार्ट है और इस तरह से फोर्क नुमा मस्तिष्क रेखा हो गई है, तो इंसान कभी ना कभी जीवन में आर्टिकल्स लिखने की, बुक लिखने की इस तरह की सोच भी बनाता है। अब हाथ में देखें चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत अच्छा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, इमोशनल ज़्यादा है, यानी कि इमोशन पे कंट्रोल ना होना, या जैसे कई बार होता है कि इंसान अपने भावनात्मक होके, भावनाओं में बह के दूसरे की तकलीफ़ को अपना समझते हुए उसकी मदद कर देता है, इस तरह का नेचर भी देखा जाता है। और यहाँ पे छोटी छोटी रेखाओं का आना, यानी जीवन में यात्रा करने के योग भी बनते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर अगर हम आते शुक्र पर्वत पर, तो शुक्र पर्वत पर देखिए अच्छा घेराव है, परंतु थोड़ा सा दबा है। कई बार होता है इंसान अपनी अच्छाओं को दबाना, कई बार इंसान अपनी एक तरह से जीवन में उत्साह की कमी होना, खुश कम रहना, इस तरह का उदासी ज़्यादा होना ये दिखाता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, रुपये पैसे की दिक्कत नहीं है, आगे काफ़ी जीवन में सुखमय जीवन देखने को मिलता है। अब हाथ में देखिए यहाँ पर गाइडिंग लाइन्स हैं, ये इस तरह से किसी का सहारा होना जीवन में। अगर हम बात करें तो जैसे इस समय अगर 35-40 वर्ष के आसपास रेखा जब शुरू होती है और अंत तक चलती है, तो बच्चों का सपोर्ट अच्छा खासा होता है। जीवन में बच्चे बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी मान सम्मान देना, अपनी माँ को बहुत प्यार करना, जैसे कि हमारी इंडिया की संस्कृति में है, तो ये चीज़ भी, या बच्चों का सपोर्ट बना रहना, ये चीज़ हाथ में दिखाई देती है। अब देखते हैं अंगूठे को, तो अंगूठा देखिए, ये विल पावर भी अच्छी है इनकी,
और लॉजिक पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और देखिए मस्तिष्क रेखा इतनी ऐसे लंबी जा रही है तो लॉजिक पावर को या प्लानिंग को बहुत बढ़ावा देती है। अब ये था इनके, और अगर हाथ में हाँ यहाँ और देखें तो ये इस तरह से अंगूठा पीछे की ओर अगर झुकाएं तो पीछे की ओर बहुत ज़्यादा नहीं झुकेगा। अगर पीछे की ओर जब ज़्यादा नहीं झुकता तो इंसान के अंदर थोड़ा जिद्दी स्वभाव होता है, और इस वजह से कई बार इंसान जीवन में ये कहना चाहिए कि बाद में पछतावा भी फेस करना पड़ता है। अब आते हैं इनकी रेखाओं की ओर। देखिए रेखाओं को अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जीवन रेखा डिस्टर्ब है। ऐसा लग रहा है कि 35 वर्ष तक तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इन्होंने झेली होंगी, बहुत परेशानी झेली होंगी। और मस्तिष्क रेखा का भी दूर से शुरू होना यानी कि विचारों का तालमेल लगाना, अपने परिवार से अपनी माता से इनका बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं रहा होगा, आपस में विचार ना मिलना, मतभेद रहना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और इंसान अपने बारे में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है, जीवन में खुद ही सब कुछ मैनेज करना, इंडिपेंडेंटली सब कुछ देखना, ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये राहु रेखा ऐसा लगता है कि 40 से 45 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा राहु रेखाओं का दिक्कत दिखाई दे रही है, और लेकिन जैसे जैसे उम्र साथ में बढ़ रही है वैसे वैसे रेखा साफ होती जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं दिखाई देती। और ये रेखा इसमें जाके भाग्य रेखा में भी मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर देखें भाग्य रेखा इस तरह से निकल रही है, ये इस तरह से अच्छी लंबी भाग्य रेखा है, और यहाँ पर 22 से 24 वर्ष के आसपास कोई चेंज भी दिखाई दे जीवन में। और यहाँ पर देखा रेखा अच्छी साफ सुथरी फाइन चल रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं दिखाई देती। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स हैं, जैसे कि एक कट है 28 साल के आसपास, एक दिखाई देता है 44-45 के आसपास, तो कोई दिक्कत इन्हें कोई बड़ा खर्चा करना, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ देखी जा सकती है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर, जैसे कि मस्तिष्क रेखा को हमने बताया था तो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से लेके इस तरह से ये इतनी लंबी जाना अगर ये मस्तिष्क रेखा है तो जीवन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का इनके अंदर टैलेंट होता है, कोई आर्टिकल लिखना, बुक लिखना। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत इनका मतलब एक तरह से व्यापारिक बुद्धि होना, एक तरह से स्मरण शक्ति अच्छी होना, और बौद्धिक स्तर काफ़ी बढ़िया पाया जाता है, और प्लानिंग्स भी अच्छी खासी करते हैं, प्लानिंग्स में इनके दिक्कत नहीं आती, नए नए अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ भी देते हैं। और हाथ में अब देखें हृदय रेखा को, हृदय रेखा थोड़ी सी जंजीरदार दिखती है, ऐसे लोग बहुत ये कहिए दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दौड़ दौड़ के मदद करने का की आदत होती है, और उसकी वजह से बुराई भी मिलती है इनको। ये देखिए छोटे छोटे कट्स आना रेखा में, तो इस तरह से बुराई मिलना, लोगों के ताने मिलना, इस तरह का व्यवहार इनको मिलता है। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। सॉरी, ये था इनके लेफ्ट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं राइट हैंड की ओर। अब राइट हैंड में देखिए यहाँ पर भी इस तरह से देखिए रेखा इस तरह से जा रही है, और यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा का टूट जाना, तो ये लगता है 30 से 40 वर्ष के आसपास अगर हम देखें तो 35 से लेकर 40-45 वर्ष तक इन्होंने काफ़ी तकलीफ झेलना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हाथ में ये दिखा, तो इतना रेखा का टूट जाना भी एक परेशानी का कारण जीवन में दिखता है। कोई बड़ा चेंज आना, कोई ऐसा पारिवारिक परेशानी आना जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उसके मन की शांति ख़त्म हो जाती है, और वो एक तरह से कई बार सुसाइड की टेंडेंसी आ जाना, अपना डिप्रेशन में चले जाना, इस तरह की सोच बनती है। और यहाँ पर देखें फिर भी किसी लेडी का सहारा जीवन में दिखाई देता है, यहाँ पर भी गाइडिंग लाइन्स हाथ में दिखाई देती हैं जो इनको सपोर्ट करती रहेंगी जीवन में। और हाथ में देखें तो यहाँ पर भी पर्वत अच्छे खासे फूले हुए हैं, तो ऐस हाथ ये भी काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। और हाथ में यहाँ पर एक खिड़की का चिन्ह दिखता है, ये इस तरह से खिड़की का चिन्ह दिखाई देता है, जो खिड़की का चिन्ह इनको काफ़ी एक तरह से अपनी प्रतिभा को उभारना, अपने समाज में अपने सर्कल में मान सम्मान पाना, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर मान सम्मान नहीं मिलेगा या लोगों के ताने ही सहन करने पड़ेंगे, आगे भी जीवन में समय अच्छा आ रहा है। अगर हम देखें 50 वर्ष के बाद और 55 वर्ष से तो और भी ज़्यादा बढ़िया समय इनके जीवन में आ रहा है।
अब देखिए, अगर दोनों हाथों में से कहीं भी एक हाथ पे यहाँ पर इस तरह से स्पॉट हो गुरु की फिंगर पे, तो लोग को एक तरह से दूसरों की बुराई भी सुननी पड़ती है, यानी मतलब अपनी बुराई दूसरों के मुंह से सुनने को मिलती है, यानी कि आपने अच्छा करा उसके बावजूद भी आपको ताने सुनने को मिले, ये तिल इस चीज़ का इंडिकेशन होता है। अब हाथ में यहाँ पर एक इनके अंगूठे पर भी तिल था, दिखाते हैं दूसरी पिक्चर, ये इनके राइट हैंड का अंगूठा है और ये देखिए यहाँ पर तिल है, तो ये चीज़ भी रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं इंसान के मान सम्मान को हानि पहुँचना, लोगों के अपना एक तरह से इंसान को दिल को ठेस पहुँचना, मान सम्मान को हानि पहुँचना, खर्चों का लगा रहना, या अपनी जैसे कहना चाहिए कि अपनी जो आप इच्छाएँ थी वो अधूरी रह जाना, इस तरह की चीज़ इंडिकेट करती है। लेकिन फिर भी हम इन्हें कुछ उपाय सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा मेडिटेशन करें जिससे हाथ में जो स्ट्रेस लाइन्स हैं वो रिमूव हो, जीवन आगे खुशहाल रहे। आगे आने वाला समय इनका काफ़ी अच्छा है, जब जो इन्होंने अब तक सहा है जीवन में, अब तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ दिक्कतें जो सही हैं वो सबसे इनको छुटकारा मिलेगा, आगे जीवन शांतिपूर्वक अच्छा सुख में दिखाई देता है। और देखा जाए दोनों ही हैंड अच्छे हैं जीवन में, इनको काफ़ी आगे अब ओल्ड एज में काफ़ी अच्छा सुख में लग्जरियस लाइफ दिलाएंगे। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।